ऐसी है सलमान सुष्मिता जॉन धोनी समेत इन बॉलीवुड सेलेब्स की फ्रेंडशिप। अगस्त का पहला संडे दुनिया भर में फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन आम इंसानों के साथ साथ बॉलीवुड के पॉपुलर सेलिब्रिटीज के लिए भी बराबर मायने रखता है। इस बार फ्रेंडशिप डे 6 अगस्त को है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं उन बॉलीवुड सेलेब्स के बारे में जिन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में खुलकर बताया। इनमें प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, सुष्मिता सेन, अभिषेक बच्चन, नाना पाटेकर और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कई सेलेब्स शामिल हैं। दोस्ती की मिसाल हैं सलमान खान, सुष्मिता सेन। दोस्ती की जब बात चलती है तो मुझे याद आती है कृष्ण सुदामा की। एक बार सुदामा ने कृष्ण से पूछा कि दोस्ती का मतलब क्या होता है, तो कृष्ण ने जवाब दिया, जहां मतलब हो वहां दोस्ती नहीं होती। सच यह है कि आज के कमर्शियल युग में यदि कोई रिश्ता बनाता है तो सिर्फ मतलब सिद्ध करने के लिए। हालांकि इस दुनिया में मुझे एक ऐसा शख्स मिला जो सही मायने में दोस्ती की मिसाल है, वह है सलमान खान। सलमान उन दोस्तों में से हैं जो मतलब के लिए दोस्ती नहीं करते, बल्कि वक्त पर दोस्ती निभाते हैं। यही वजह है कि सलमान कई सालों से मेरे दोस्त हैं। मुझे जब भी किसी सलाह की जरूरत होती है या पार्टी का मन होता है, सलमान को फोन लगा लेती हूँ। मुझे याद है एक बार मेरी बेटी रनी की तबीयत रात को 2 बजे खराब हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को किस डॉक्टर से संपर्क करूं। तभी सलमान का फोन आया। उसके यहाँ पार्टी चल रही थी और उसने मुझे वहाँ बुलाया। मैंने उसे रनी की तबीयत के बारे में बताया तो वह बिना देरी किए डॉक्टर को लेकर मेरे घर पहुँच गया। पूरी रात वह फिर वहीं रुका रहा। धोनी अक्षय और अभिषेक से है अच्छी दोस्ती। जॉन अब्राहम, महेंद्र सिंह धोनी और मेरी दोस्ती तब से है जब हम कुछ भी नहीं थे। आम लड़कों की तरह हमें भी मोटर बाइक और फुटबॉल से प्यार हुआ करता था। हमारे बीच आज भी पहले जैसी ही दोस्ती है। आज मेरे पास 2 मोटर बाइक हैं, वहीं महेंद्र के पास 29 बाइक हैं। पहले हमारी मुलाकात तकरीबन हर रोज हो जाती थी, लेकिन अब कभी कभी ही ऐसा हो पाता है। हालांकि मैसेजेस और कॉल के जरिए हम एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। उसकी लाइफ में कुछ नया होता है तो वह मुझे बताता है और मेरी जिंदगी की हर नई घटना से मैं उसे वाकिफ कराता रहता हूँ। हम उन दोस्तों में से हैं जो दूर रहकर भी पास हैं। मेरा मानना है कि जरूरी नहीं कि दोस्त रोज मिलें, लेकिन जब भी मिलें तो एक नए जोश के साथ मिलें। धोनी के अलावा अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। धोनी की तरह अभिषेक को भी बाइक चलाने का बहुत शौक है। धूम की शूटिंग के दौरान वे अक्सर मेरी बाइक लेकर भाग जाता था। जहाँ तक अक्षय की बात है तो वे बहुत ही मजाकिया है। उसकी हर बात में कोई न कोई जोक होता है। यही वजह है कि उसकी कंपनी में बहुत मजा आता है। मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा। मेरी नज़र में दोस्त वो है जिस पर हम भरोसा कर सकें, अपनी हर बात शेयर कर सकें और सबसे खास बात वे हमेशा सही सलाह दे। ये सभी खूबियाँ मैंने अक्षय कुमार में देखी हैं। अक्षय बहुत ही मुँह फट इंसान है और साफ दिल भी। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। मुझे आज भी याद है जब डैडी की डेथ हुई थी और मैं खुद को अकेली और दुखी महसूस कर रही थी, तब अक्षय ने मुझे मेंटल सपोर्ट दिया था। वह हमेशा मेरी ख्यालियत लेते रहते थे। एक समय वो भी था जब अक्षय और मेरी दोस्ती को रोमांस का नाम दे दिया गया था, जबकि हम दोनों के बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती है। मुझे जब भी कोई सलाह चाहिए होती है मैं अक्षय के पास पहुँच जाती हूँ। मैंने जब जब भी अक्षय के साथ फिल्में की है तब उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल टीचर की तरह डांट कर सही गाइड किया। अनुशासन में रहना मैंने उनसे ही सीखा है। वे हमेशा मुझसे कहते हैं कि यदि आप समय की कद्र नहीं करोगे तो एक दिन आएगा जब समय आपकी कद्र नहीं करेगा। संजू बाबा के साथ आता था मजा जैकी श्रॉफ। मैं और संजय दत्त जब भी किसी शूटिंग में साथ होते थे धमाल मचा देते थे। दरअसल हमारा स्वभाव बहुत मिलता जुलता है। सच्चा दोस्त वही है जिसके साथ हम एंजॉय कर सकें, मजे कर सकें और दिल की बातें शेयर कर सकें। ये सभी क्वालिटी मुझे संजू में नजर आती हैं। वैसे तो इंडस्ट्री में मेरे कई दोस्त हैं, लेकिन मजा मुझे संजू के साथ ही आता है। मुझे याद है कि एक बार हम दोनों किसी फिल्म की शूटिंग आउटडोर कर रहे थे। उस दौरान हमारा कैमरामैन बचकर 15-20 मिनट में शूटिंग छोड़ एक पेड़ के पास बाथरूम करने चला जाता था। मैंने और संजू ने उसे समझाने की कोशिश की कि भाई तुम्हें उस पेड़ के पास बाथरूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां भूत है और वे तुम्हें पकड़ भी सकता है। उसके बाद उसी रात हम एक टेप रिकॉर्डर उसके रूम के पास ले गए, जिसमें मैंने आवाज रिकॉर्ड की थी कि दत्ता तूने क्यों मुता, मैं वहां सोया था। यह सुनते ही कैमरामैन होटल से भागा और सीधा मुंबई आकर ही रुका। ऐसे ही अक्सर हम टाइम पास किया करते थे। आज भी मुझे वो दिन याद आते हैं। अब तो उससे मिले हुए भी बहुत दिन हो गए।
शहाना गोस्वामी है मेरी सबसे अच्छी दोस्त, दीपिका पादुकोण शहाना गोस्वामी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों ने करियर की शुरुआत एक साथ की। उस दौरान हम नहीं जानते थे कि हमारा एक्टिंग करियर किस तरह आगे बढ़ेगा। हाँ, एक बात तय थी कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। नेचर के साथ साथ हमारी पसंद भी एक दूसरे से काफी मिलती है। मुझे जब भी शॉपिंग या स्कूबा डाइविंग करनी होती है, मैं शहाना के साथ ही जाना पसंद करती हूँ। मुझे याद है जब हम विंडो शॉपिंग के साथ साथ स्ट्रीट शॉपिंग भी करते थे, उस वक्त हम अच्छी ड्रेस या टॉप मिलने पर इतने खुश होते थे जैसे बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। आज महंगी से महंगी ड्रेस मिलने पर भी हमें वह खुशी नहीं होती। हम आज भी एक दूसरे के टच में रहते हैं। वह मेरी फिल्म देखती है और पूरी ईमानदारी से बताती है कि फिल्म में मेरी एक्टिंग कैसी रही। उसे मेरी फिल्म कॉकटेल बहुत पसंद आई थी। पापा हैं मेरे सबसे करीबी और सबसे अच्छे दोस्त अभिषेक बच्चन। वैसे तो इंडस्ट्री में मेरे कई दोस्त हैं, लेकिन सबसे करीबी की बात करें तो वे हैं मेरे पापा अमिताभ बच्चन। मैं जितना उनके क्लोज हूँ उतना किसी और के नहीं। यहाँ तक कि जब ऐश्वर्या से मेरा अफेयर चल रहा था, तब भी मेरे फोन की डायल लिस्ट में पापा ही टॉप पर रहते थे। बचपन से लेकर अब तक मैंने पापा से हर छोटी बड़ी बात शेयर की है। जब पापा बीमार पड़ गए थे, तब मेरी हार्ट बीट रुकने लगी थी, क्योंकि वे मेरे लिए सिर्फ पापा ही नहीं अच्छे दोस्त भी हैं। कई बार तो मैं पापा से वो सब बातें भी कर लेता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। उनके अच्छे स्वभाव के कारण मुझे कुछ भी शेयर करने में झिझक नहीं होती। मेरे लिए वे पहले अच्छे दोस्त हैं, फिर पिता, तब है मेरी सबसे पुरानी दोस्त अजय देवगन। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में रोहित शेट्टी, सलमान खान, संजय दत्त सहित मेरे कई अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तबू मेरी सबसे पुरानी और क्लोज फ्रेंड है। उसे मुझ पर बहुत विश्वास है। वह कोई भी बात मुझसे नहीं छिपाती। हमने जब पहली बार फिल्म विजयपथ में काम किया था, तो दोनों एक दूसरे से बहुत कटते थे। कारण तबू बहुत शर्मीली है और मैं भी काफी रिजर्व टाइप का इंसान हूँ। मुझे आज भी याद है कि विजयपथ के दौरान हमें एक दूसरे से कटते देख कर डायरेक्टर टेंशन में आ गया था। वह यह सोचकर परेशान था कि यदि मैं और तबू आपस में बात नहीं करेंगे तो बतौर हीरो हीरोइन काम कैसे करेंगे। खैर, धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई। तबू से बात शुरू होने के बाद मैंने महसूस किया कि वह दिल से बहुत सीधी और इमोशनल है। इसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। तबू और मैंने विजयपथ के बाद तक शक और हकीकत में भी साथ काम किया। इसके बाद हमने साथ में फिल्में नहीं की, लेकिन हमारी दोस्ती आज भी बरकरार है। अरसे बाद हम एक साथ दृश्य में नजर आए।